सर या इसके बाद में देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा कि कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x को हमें किसके इक्वल लाना है, कॉट 3x के इक्वल लाना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे, कॉस 4x इसको हम इसके साथ में ले लेते हैं, कॉस 2x प्लस यहाँ पे हमारा बना बेटा कॉस 3x अपॉन साइन 4x, इसके साथ में हम 2x को ले लेते हैं और प्लस हमने लिखा यहाँ पे बेटा साइन 3x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। कोस 3x को हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे हम साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू और साइन 3x को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि कोस 4x और 2x कितना हो गया हमारा 6x अपॉन टू, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x अपॉन टू, कोस 3x को हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे टू साइन 4x और 2x कितना हो गया बेटा 6x अपॉन टू, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x अपॉन टू और प्लस कितना हो गया हमारा साइन 3x हो गया, 2 3 जा 6 इससे ये कैंसिल बेटा, 2 3 जा 6 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा हमारा cos 3x cos x cos 3x अपॉन 2 sin 3x cos x और प्लस कितना हो गया बेटा ये हमारा यहाँ पे साइन 3x। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा ऊपर से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कोस 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा कोस एक्स प्लस वन हमारा ये बना, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है साइन 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा टू और लिखना है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमारा टू है, यहाँ पे साइन 3x कॉमन आ गया तो टू कोस एक्स प्लस वन इससे ये कैंसिल होगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा कोट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा कि कोट एक्स माइनस कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x और कोट x की जो वैल्यू है हमें किसके इक्वल लानी है, 1 के इक्वल लानी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे, तो कोट एक्स माइनस कोट 2x ऐसे ही हम लिख देते हैं, यहाँ से बेटा हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेते हैं, कोट 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोट 3x हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बेटा ये प्लस में हो जाएगा कोट 2x और प्लस कितना हो जाएगा हमारा कोट x हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे कोट x माइनस कोट 2x माइनस कोट, इसको हम लिख लेते हैं बेटा 2x प्लस x लिख लेते हैं इसको हम, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं कोट x कोट 2x प्लस कोट x। इसके बाद देखेंगे कोट x माइनस कोट 2x बेटा ये हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे कोट एक्स प्लस वाई का हम फॉर्मूला लगाएंगे, और कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई, ठीक है, और इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में कोट 2x प्लस कोट x, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा बचेगा कोट x माइनस कोट 2x, बाहर माइनस है तो अंदर के हम साइन चेंज करेंगे, माइनस कोट 2x कोट x और प्लस कितना हुआ हमारा ये 1 हुआ यहाँ पे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, हमारा आंसर कितना आया बेटा 1 हमारा आंसर आया इसका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा कि tan 4x को हम इक्वल लाना है, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x
अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स के हमें इसको इक्वल लेके आना है, तो एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में हमें क्या गिवन है, टेन फोर एक्स गिवन है, और टेन फोर एक्स को बेटा हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम, टू इंटू टू एक्स इसको लिख लेते हैं, क्योंकि टेन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास में वो क्या होता है, टू टेन एक्स होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो हमने इसको टू इंटू टू एक्स लिख लिया। अब ये जो टू एक्स है इसको हम एक्स कंसिडर अगर करें तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे टेन टू एक्स का दोबारा से फॉर्मूला लगा देते हैं, तो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसको लिखेंगे, टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे वन माइनस टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो टू टू जा बेटा फोर हो गया, तो फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस, यहाँ पे बेटा हमारा क्या बनेगा, ये फोर टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बनेगा वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन अपॉन में हम क्या करेंगे, इसका अपॉन में वन कर लेते हैं। यहाँ से बेटा एलसीएम आएगा हमारा वन माइनस का टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे बनेगा ये फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे हम ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन अपॉन में हमारा कितना बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा बेटा हमारा फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के ये फोर हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बेटा हमने टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया है वो हमारा क्या है कि टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे टू एक्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम टू एक्स नहीं लिखेंगे और हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होगा बेटा, ये टू ए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये वन माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स और प्लस कितना हुआ, टेन की पावर फोर एक्स हुआ, इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हुआ। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा कि कोस फोर एक्स जो है हमें इक्वल दिया हुआ है वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स के हमें इक्वल लेके आना है इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में हमें गिवन क्या है, कोस फोर एक्स, कोस फोर एक्स को हम लिख लेते हैं कोस टू इंटू टू एक्स, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोस टू एक्स का मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगा देता हूँ, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बेटा ए इस माइनस बी का स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी और माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, ठीक है, माइनस वन हुआ ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टू में से वन को माइनस करेंगे तो वन आएगा बेटा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ एट कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वन माइनस कितना बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो वन माइनस एट कोस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यही हमें लाना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर फाइव जो है कोस सिक्स एक्स हमें दिया हुआ है, आप कोस सिक्स एक्स को क्या करेंगे, थ्री इंटू टू एक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद में आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे।